हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। इस वीडियो में हम बहुभुज को वर्गीकरण करना सीखेंगे। चतुर्भुज का वर्गीकरण उसके भुजाओं की संख्या तथा उसके शीर्ष के आधार पर किया जाता है। त्रिभुज एक तीन भुजाओं या तीन शीर्ष वाला एक बहुभुज है। एक चार भुजाओं या शीर्ष वाले बहुभुज को चतुर्भुज कहते हैं। पांच भुजाओं या शीर्ष वाले बहुभुज को पंचभुज कहा जाता है। छह भुजाओं या शीर्ष वाले बहुभुज को षष्ठभुज कहा जाता है। सात भुजाओं या शीर्ष वाले बहुभुज को सप्तभुज कहा जाता है। आठ, नौ और दस भुजाओं वाले बहुभुज को क्रमशः अष्टभुज, नवभुज तथा दसभुज कहा जाता है। एक बहुभुज जिसके सभी कोण तथा भुजा समान होते हैं उसे हम समबहुभुज कहते हैं। क्या आप एक समबहुभुज का नाम बता सकते हैं। बहुत अच्छे, यह वर्ग है जिसके सभी भुजा तथा सभी कोण समान होते हैं, यानी कि 90 डिग्री के होते हैं। आइए अब एक बहुभुज के विकर्ण के बारे में बात करते हैं। विकर्ण आसान कोण को छोड़कर बहुभुज के किसी दो शीर्षों को जोड़ने से प्राप्त होता है। बच्चों, क्या आप इस षटकोण के शीर्ष ए से एक विकर्ण को खींच सकते हैं। इसे स्वयं से करने के लिए वीडियो को थोड़ा सा रोकें। यहाँ शीर्ष ए के आसान कोण बी और एफ हैं। अतः हम शीर्ष ए को बी और एफ को छोड़कर किसी भी शीर्ष से जोड़ सकते हैं। शीर्ष को ई, बी और सी को जोड़ने के बाद हमें ए से ये विकर्ण प्राप्त होता है। इसी प्रक्रिया को सभी शीर्षों से दोहराते हैं तो हमें बहुभुज के ये सभी विकर्ण प्राप्त होते हैं। आइए अब देखते हैं कि ये विकर्ण किस प्रकार बहुभुज के वर्गीकरण में सहायक सिद्ध होते हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ बहुभुज के विकर्ण इसके आंतरिक भागों में सीमित हैं और कुछ इसके बाहरी भागों तक। तो इस प्रकार हम बहुभुज को दो भागों में बांट सकते हैं। आंतरिक विकर्ण वाले बहुभुज उत्तल बहुभुज कहलाते हैं और जिनके विकर्ण बाहर होते हैं या विकर्ण के कुछ भाग बाहर होते हैं उन्हें अवतल बहुभुज कहते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो काफी पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।